रेके बाबा का स्वागत है। ज्वालामुखी अस्पताल के साथ डॉक्टरों के रहने को बनाए गए आवासीय कमरे अभी तक अस्पताल प्रबंधन के अधीन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहीं दिए गए हैं। ऐसे में देखरेख के अभाव के चलते उक्त भवनों की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। आलम यह है कि अब आवारा पशुओं ने इन भवनों के नीचे अपना आशियाना बना लिया है और यहाँ चारों ओर गंदगी का आलम है। ज्वालामुखी अस्पताल के साथ डॉक्टरों के रहने को बनाए गए आवासीय कमरे अभी तक अस्पताल प्रबंधन के अधीन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहीं आवंटित किए गए हैं। ऐसे में देखरेख के अभाव के चलते उक्त भवनों की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। आलम यह है कि अब आवारा पशुओं ने इन भवनों के नीचे अपना आशियाना बना लिया है और यहां चारों ओर गंदगी का आलम है। बीते दो साल से धूल फांक रही बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अभी तक अस्पताल प्रबंधन को क्यों नहीं सौंपा गया, इस पर भी कई तरह के सवालिया निशान विभाग की कार्य प्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीते कुछ महीने पहले अस्पताल के नए भवन के निर्माण को लेकर जब स्थानीय विधायक सहित अन्य अधिकारियों ने उक्त जगह का जायजा लिया था तो स्थानीय लोगों द्वारा डॉक्टरों के आवासीय कमरों को लेकर उठाए गए सवाल पर विधायक रमेश दवाला ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही सारे भवन अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बिल्डिंग की देखरेख न होने के चलते इसकी हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। बिल्डिंग में किया गया सीमेंट उखड़कर नीचे गिर रहा है, वहीं भवनों में किया गया पेंट भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस मामले को लेकर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है अभी लोक निर्माण विभाग ने ये भवन ज्वालाजी अस्पताल प्रबंधन के अधीन नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि भवनों को लेकर थोड़ा बहुत काम बच गया है जिसे लेकर कार्य भी जोरों पर चला हुआ है। ऐसे में ये कार्य पूरा होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि ये जल्द ही भवन अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिए जाएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक तो पीडब्ल्यूडी ने ये जो बिल्डिंग्स हैं वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर नहीं करी, तो यही एक वजह है। जब वो हैंडओवर कर देंगे कुछ एक काम बचा हुआ है, शायद वो काम अभी जोरों शोरों से चला भी हुआ है, तो जैसे काम हो जाएगा मुझे उम्मीद है ये इसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर कर देंगे। बता दें कि अस्पताल के पास इन भवनों को बनाने का मुख्य लक्ष्य यही था कि आपातकालीन स्थिति में यहां पहुंच रहे मरीजों को 24 घंटे डॉक्टरों की सुविधा मिल सके। अस्पताल के पास ही डॉक्टरों के आशियाने होंगे तो डॉक्टर यहां देर रात भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऐसे में इन भवनों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते अभी तक ये भवन डॉक्टरों को नहीं मिल पाए हैं।